हम आ गए हैं हिमाचल प्रदेश में। 170-180 किलोमीटर मनाली आएगा तो हमें रात हो जाएगी वहाँ पहुँचते पहुँचते। यहाँ का व्यू देखो, बहुत ही शानदार व्यू है। फाइनली वेलकम टू द मनाली गाइज। हम पहुँच चुके हैं हमारे होटल जो बुक किया था, और अभी बज चुके हैं 10 बज गए, 50 मिनट 50 मिनट और हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग अभी तो रेस्ट करेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग आपको दिखाएंगे मनाली। और प्लान है रोहतांग जाने का भी। यहाँ से अप्रोक्स 40-50 किलोमीटर पड़ता है ना, यहाँ से मनाली से 40-50 किलोमीटर पड़ता है रोहतांग। और कल रोहतांग भी जाएंगे, अगर बर्फ़ रही तो बर्फ़ देखने को मिलेगी हमें। हम आ गए 2050 मीटर ऊपर, और यहाँ का मौसम जो भी वेदर है, यहाँ का वेदर बहुत चिल है गाइस। मॉर्निंग गाइस, मैं उठ चुका हूँ और अभी बज रहा है 6:15। और यहाँ का व्यू देखो गाइस, हम जाने वाले हैं 3 जगह। और रोहतांग का तो मेरे को पता है, 2 जगह का मेरे को नहीं पता। शायद 1000 पर पर्सन यहाँ लगता है। तो अब रेडी होते हैं, फिर चलते हैं घूमने और आपको भी एक्सप्लोर करवाते हैं। We all are ready to go. सब रेडी हो गए जाने के लिए, अब हम जा रहे हैं रोहतांग के लिए। कितनी ऊपर जाना पड़ेगा? 4.5 किलोमीटर ऊपर पैदल है, बर्फ देखने के लिए। हाँ, रोड में नहीं मिलेगी। तो बाइक का क्या चार्जेस रहेगा वहाँ पर? बाइक का पर होना कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये, घोड़े का होना 1000 रुपये कम से कम। 2-2.5 हज़ार रुपये एक पर्सन के? दो लोगों के। हम आ गए रोहतांग पास ऑन द पीक पॉइंट, और अभी और भी ऊपर जाना है हमें। व्यू देखो गाइस यहाँ का, डर लग रहा है। ये पूरे बादल है, पूरे बादल। How's the location? भाई साहब ये बच गए। ड्राइवर की किस्मत देखो ही मैं। हाँ। कभी आओ तो आराम से आना भाई साहब। हाँ। नहीं तो यहाँ से गिरे ना तो देख लो कितनी हाइट पे हम। हम रुके हैं एक होटल पे, खाना वाना ले लें थोड़ा सा। और आज मैं मामा जी के कारण यहाँ आया हूँ, इन्होंने मेरे को यहाँ घुमाया। पहली बार मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ मनाली, बहुत इच्छा थी यहाँ आने की। रोहतांग में बहुत चिल मौसम है गाइस, आप भी आना यहाँ घूमने अगर कोई आया नहीं हो तो। और वैसे तो घूमते रहते हैं लोग, न्यू ईयर पे यहाँ बंद थोड़ी रहता है, बंद रहता है। न्यू ईयर पे तो बर्फ जम जाती है यहाँ पूरे, बर्फ रहती है। डोसा आ गए यहाँ पे, मोमोज बना रही है, मोमोज ऑर्डर कर दिए। अब लैंड कर रहा है ये। बहुत ठंडा पानी है। रोहतांग पास पानी का नजारा बहुत ही अच्छा चल रहा है। इधर इधर ही दिखाना, फोटो खींच यार। ये देखो भाई, वाटरफॉल, बहुत ठंडा पानी है यहाँ का और बहुत साफ पानी है, ठंडा चिल पानी। गाइज व्यास नदी जो है ना, उसका जन्म यहाँ से ही हुआ है, यहीं से निकलती है। और ये देखो यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, व्यास नदी का जन्म यहाँ पर हुआ है और इसके पानी से दुख दर्द दूर होते हैं। सो नाइस प्लेस। और अब यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर हो रहा है रोहतांग पास,
और हम पहुंच जाएंगे वहां पे। बहुत सारे लोग, ये क्या घर बना रखे हैं क्या? ये यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, ये इग्लू टाइप का है क्या? सिक्के डाल रहा हूँ पे। लो लो, और यार ये तो बहुत ठंड है। देते हैं घर, यहां बनाते हैं। ये बन गया अपना घर। गाइस हम पहुंच गए अटल टनल रोहतांग में, नॉर्थ पोर्टल है ये। यहाँ पे सारे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। यहाँ पार्किंग है, यू कैन पार्क हियर। अभी तो धूप पड़ रही है बहुत तेज, और वहाँ ऊपर थी वहाँ पे ना बर्फ थी, तो अब यहाँ से नीचे आ गए उस जगह। धन्यवाद रवि जी, ओके साहब, इन्होंने हमें ट्रेवल करवाया रोहतांग और बहुत ऊपर तक लेके गए हमें पी पॉइंट पर। धन्यवाद, ओके साहब। हम आ गए वापस अपने होटल पे, और हाँ अब एंटरने का वक्त आ गया ये व्लॉग, और उसके बाद में देखते हैं कहाँ जाना है। अभी कोई प्लान नहीं है, अभी रेस्ट करेंगे। और सबको हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। अब रेस्ट करते हैं, धूप आ गई, अब गर्मी भी लग रही है, अब खोलनी पड़ेगी सब कुछ। और यहाँ मनाली हिमाचल प्रदेश की फेवरेट है, यहाँ पे सेब एप्पल के बहुत सारे पेड़ है, लेकिन तोड़ना मत, तोड़ना नहीं डंडे पड़ जाएंगे। और ये व्लॉग शायद बहुत लेट आएगा, क्योंकि अभी तो हम यहाँ पे है, तो कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, तो एडिटिंग वगैरह ये सब कुछ मैं घर पे करके फिर देन अपलोड करूँगा, और आप तक लेट पहुँचेगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।